हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। चलो शुरू करते हैं आज का दिन। हे गाइस, आज है क्रिसमस का दिन। चलो आज करते हैं बारबेक्यू नाइट। रात को मैं लाया हूँ फिश और चिकन, मशरूम भी है, चाप भी है, प्याज और कैप्सिकम वगैरह हमने काट लिया है और पनीर भी है। हेलो फ्रेंड्स, चलो अब करते हैं सब चीज़ों को मैरिनेट। अब हम बना रहे हैं मलाई चाप, इसको मैरिनेट करेंगे पहले। अब इसमें डाल रहे हैं हम दही, अब इसमें डाल रहे हैं हम फ्रेश क्रीम थोड़ी सी, अब इसमें जा रहा है गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा, लग जाएगा थोड़ा सा जिंजर गार्लिक, अब थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक, और अब जा रही है ब्लैक पेपर। अब गाइस, अब इसको हम कर रहे हैं मिक्स। इसमें हम प्याज वगैरह अभी नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज और टमाटर वगैरह पानी छोड़ देंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो गाइस, अब हम बना रहे हैं मसाला चाप। इसमें जा रही है दही, फिर से दही मैरिनेट के लिए जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बना रहे हैं पनीर टिक्का। अब इसमें हम डाल रहे हैं दही, अब आ गए हैं मशरूम। चलो मशरूम को करते हैं मैरिनेट। ये गई दही। तो गाइस, अब आ गया है चिकन। अब करेंगे चिकन को मैरिनेट। चलो करते हैं। हे गाइस, अब बना रहे हैं हम फिश को, कर रहे हैं मैरिनेट। ये जा रहा है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। इस भैया ने सब कुछ मैरिनेट कर दिया था, और यह है फिश, और यह है चिकन, और यह है वो चाप, और ये है तंदूर चाप, और ये है मलाई चाप, और यह है मशरूम। चलो ऊपर चल गए देख। तो चलो गाइस, ऊपर चलते हैं। भैया ऊपर गए, देखते हैं भैया क्या कर रहा है ऊपर। चलो चलते हैं। तो
तो गाइस मैं ऊपर पहुंच चुकी हूँ, ठंड हो रही है ऊपर वैसे बहुत ज़्यादा। चलो हेलो भैया, अभी लगाने लगा है। ओ तो अब मैंने तंदूर खोल लिया है अपना बारबेक्यू, और जलाने के लिए लकड़ियाँ भी रेडी हैं। पहले इसमें जलाएंगे, फिर कोले से लग जाएंगे, उसके बाद हम अपने बारबेक्यू में उन्हें सेव रख देंगे। गाइस फाइनली आग लग गया, बहुत ठंडी हवा चल रही है आज छत पे। तो गाइस अभी मानसी हाथ सेक रही है। तो गाइस इतना ही हो रही है ये बारबेक्यू में, उसके बाद जब ही सी लग जाएगी, जब हम इसे बारबेक्यू में डालेंगे, इतना हम हाथ सेक रहे हैं। ठंड बहुत हो रही है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, इतना हम हाथ सेक रहे हैं, उसके बाद डालेंगे उसमें बारबेक्यू में। तो गाइस मैरिनेट हो गई है चाप अच्छे से, अब हम इसमें लगा रहे हैं सीक में इसको बारबेक्यू के लिए। तो गाइस अब हो चुके हैं ये बारबेक्यू के लिए तैयार, सीख में लग चुकी है, अब चलते हैं ऊपर। ऊपर हे गाइस, अब हमने बारबेक्यू के ऊपर रख दिया है, आग भी लग रही है और ये सीखने शुरू हो गया। वाह क्या स्मेल आ रही ना वहां से आज। तो गाइस अभी ये तैयार हो गई है पनीर टिक्का, देखो कितने टेम्प्टिंग हॉट और मजेदार लग रहे हैं ना। तो गाइस ये अभी उसमें से वो इसमें से अभी निकाल दिया है, और अब मैं एक बार एक टेस्ट करके देखती हूँ, एक पनीर हरी चटनी के साथ। तो चलो खा के देखते हैं। गर्म है, अच्छा है, और अंदर से भी कुक हो चुका है, क्रंची है बाहर से। और ये यहाँ पे भैया आग लगा रहा है और इसमें कोयले डाल रहा है, और यहाँ पे दीदी सेक रही है, मैं भी सेक रही हूँ वैसे। गाइस मैं अभी इसमें बटर गरम कर रहा हूँ खाने के लिए। तो अब भैया डाल रहा है इसके ऊपर क्रीम, ये रही मलाई चाप, मलाई चाप बनाएगा भैया इसकी। अब इसे मिक्स कर रहा हूँ अच्छे से, इसके ऊपर लग जाएगी मलाई। थोड़ा अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला तैयार, और इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, आधा नींबू, जूसी नींबू, निचोड़ दिया इसमें नींबू, रेडी है। तो चलो खाते हैं। खाओ कैसी है मानसी? नम नम
बढ़िया देखते बाद में आगे देखते पकड़ी पूरी हाँ बढ़िया बन रही ना तो गाइस ये भी तैयार हो गए हैं और अभी ये बनने लग रहे हैं चलो टेस्ट करते हैं पनीर कैसा है भैया क्या लेना पसंद करेगा तो गाइस यहाँ पे भैया वो दीदी यहाँ पे कर रही है और यहाँ पे भैया आग के ऊपर सीधा आग के ऊपर ही लगा हुआ है कि ये मशरूम दिखाना कितने हुए हो गए और क्या वाओ ये दीदी खा रही है ए गाइस अब इसमें हमने लगा दिया है चिकन तंदूरी चिकन चिकन ग्रिल हो रहा है सेवो भी इंतजार कर रहा है सेवो बनने लग रहा सेवो चिकन तंदूरी hey guys. तो गाइस अब ये तैयार हो गई है हमारा चिकन अच्छे से देखो वेट कर रहा है इसमें रख रहा है भैया कोयले अंगीठी में से उतार तो उठा के और फिर उसके बाद रखेगा इस पे फिश अब इसमें भैया डाल रहा है फिश और साओ साओ खाना है कितनी शाइनिंग आ रही है इस पे अंदर तक गला गल चुका है अच्छे से और हाँ गरम हो रहा है उठ रहे हैं गरम हो रहा है देखो चिकन लेग पीस बहुत गरम है धुएं उठ रहे हैं और यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं मेरे को भी दे दो मैं भी खाने के लिए मेरे को पूछ रहा थोड़ा मोटा देखो गाइस अच्छे से गल चुका है अंदर से तो गाइस अब फिश भी तैयार होनी शुरू हो गई है देखो
देखो गाइस अभी बन गई है फिश, एक तो तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा सा टाइम, ये भी बस होने वाली है। देखो स्किन कैसे उतर रही है अपने आप। ये गाइस देखो ये कितनी सॉफ्ट है और अच्छे से गल गई है फिश। खाते हैं, वाह बिना कांटे की है, मजा आ रहा है। हे गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके आज जरूर बताना गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मैरी क्रिसमस।